तो हेलो दोस्तों, नमस्कार और स्वागत है आपका आज के हमारे नए वीडियो पे। तो दोस्तों, आज हम लोग बात करने वाले एक बहुत बड़ा खबर है जिसको आप लोगों को जानना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। हो सकता है कि आप में से कुछ लोग इस खबर को जान रहे हो, फिर भी अपन आप लोगों को बता दे रहे हैं कि आयुष मिनिस्ट्री और डिफेंस मिनिस्ट्री ने कोलैबोरेशन किया है, और कोलैबोरेशन करने के बाद 37 कंटोनमेंट हॉस्पिटल पूरे ऑल ओवर इंडिया में खुलने वाले हैं। ये इसलिए खोला जा रहा है जिससे जो BAMS के डॉक्टर हैं, BAMS MD किए हुए हैं, जो BAMS के बाद MS किए हुए हैं और जो आयुर्वेदिक फार्मासिस्ट का कोर्स किए हुए हैं, उनको भी बहुत अच्छा अपॉर्चुनिटी मिलेगा इन हॉस्पिटल में सर्विस देने का भारत की सेना के लिए। और बहुत गर्व का बात है कि देश की सेना के लिए आप प्योर नेचुरल साइड इफ़ेक्ट फ्री ट्रीटमेंट दे सकोगे। पहले क्या था दोस्तों, पहले ये था कि पहले केवल MBBS के जो डॉक्टर्स थे वही वहाँ पे मतलब अप्लाई कर सकते थे, उनका ही वैकेंसी निकलता था आर्मी के जो हॉस्पिटल्स होते थे वहाँ पे। बट ये आयुष मिनिस्ट्री और डिफेंस मिनिस्ट्री का बहुत अच्छा फैसला है कि अब BAMS के जो डॉक्टर्स हैं वो भी आर्मी के जो जवान हैं, देश के जो जवान हैं, उनका सेवा करने का मौका मिल रहा है। और बहुत अच्छा बात है, आप लोगों को बिल्कुल अच्छे से BAMS करना चाहिए, MD करना चाहिए, MS अगर कर सकते हो तो MS करना चाहिए, और अच्छा से अच्छा सर्विस प्रोवाइड करने का कोशिश करना चाहिए। क्योंकि धीरे 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 करके अब आयुर्वेद भी बढ़ता चला जा रहा है, और ये बहुत अच्छा डिसीजन लिया गया है कि डिफेंस मिनिस्ट्री ने सोचा और आपका आयुष मिनिस्ट्री ने सोचा, और आयुर्वेद इससे आगे बढ़ गया है और ऐसे ही आगे बढ़ता रहे। दोस्तों, सबसे ज़रूरी बात यह है कि पहले क्या था, पहले केवल MBBS के जो डॉक्टर्स थे, MD मेडिसिन और MS किए हुए जो डॉक्टर्स रहते थे और जो MBBS के रहते थे वो मेडिकल ऑफिसर की पोस्ट में अप्लाई कर सकते थे। BAMS डॉक्टर का वहाँ पे कोई पोस्ट नहीं होता था, कोई वैकेंसी नहीं होती थी। बट इस नोटिफिकेशन के आने के बाद और कोलैबोरेशन के होने के बाद 1 मई से ये पूरा सिस्टम स्टार्ट होगा और पूरे ऑल ओवर इंडिया में 37 हॉस्पिटल्स बनाए जाएंगे और एक अच्छा प्योर आयुर्वेदिक नेचुरल सिस्टम ऑफ जो होता है मेडिसिन का वो प्रोवाइड किया जाएगा आर्मी और आर्मी की फैमिली जो होती हैं उनको, प्लस सिविलियन जो हैं बाहर के उनको भी। तो ये बहुत अच्छा डिसीजन है और ऐसे ही आयुर्वेद को आगे बढ़ाना है आपको और हमको मिलके। तो आप अच्छे से स्टडी कीजिए, और आज के इस वीडियो को बनाने का मेन पर्पज यही था कि आपको थोड़ा सा जानकारी दिया जाए, क्योंकि आप लोगों को इस न्यूज़ को बताना बहुत ज़्यादा ज़रूरी था, तभी आप अंदर से मोटिवेटेड रहोगे और एक अच्छा आयुर्वेदिक डॉक्टर बनोगे। तो आज की वीडियो को यहीं पे एंड करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे। चैनल को ऐसे ही सपोर्ट करते रहिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। आप सभी को दिल से थैंक यू।